डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक के इस सीरीज में आज हमने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन आंसर है वो लेकर आया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो ये सॉल्यूशन जो है बायो साइंस वाले की तरफ से आपको पेश किया जा रहा है। मैं मोहम्मद सलीम सर आपकी खिदमत में हाजिर। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है ये 3 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें कुछ सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, नियर अबाउट आपके क्वेश्चन बैंक में 80 क्वेश्चन हैं। तो इसमें से कुछ मैंने सिलेक्ट किया हूँ, जो जिसमें से कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, कुछ कंप्लीटर टेबल्स हैं, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है और हॉट क्वेश्चंस हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस हैं, जिनको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स, ये फ्लो चार्ट जो है दिया हुआ रहेगा आपको, एक तो पूरा इतना ही दिया हुआ रहेगा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, चारों जो है आपको जो इसके स्क्वायर भरना पड़ेगा, या फिर 2 दिए हुए रहेंगे तो भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक में दिया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, सिमिलरिटीज इन द बोन स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कुछ एविडेंसेस हैं इवोल्यूशंस के, जो इवोल्यूशंस के एविडेंस के तौर पर हमको पेश करना पड़ता है, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, एनाटॉमिकल एविडेंसेस हैं, कनेक्टिंग लिंक्स हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। तो इसमें से आपने जो भी 4-6 में से जो भी नाम लिखना है आप लिख सकते हैं, और डेट विल बी योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स राइट एडवांटेज ऑफ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी किसे कहते हैं? हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल फिनोमिनॉन है। इस फिनोमिनॉन में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर जो है, अपने ट्रेट जो है, वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। अब इसके एडवांटेज क्या है? तो इसके एडवांटेज ये है कि इस हेरिडिटी की वजह से हम जो है जितने भी डिसीजेस होती है, हेरिडिटिकल डिसीजेस होती है जो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस में आती है, उन डिसीजेस को हम डायग्नोस कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं कि ये किस तरह के डिसीज है, क्रोमोसोमल डिसीज है या ऑटोसोमल डिसीज है या जेनेटिकल डिसीज है या मोनोजेनेटिक है या पॉलीजेनेटिक है, ऐसे अलग अलग टाइप की जो है हेरिडिटिकल डिसीजेस होती हैं, इसका पता हम लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के जरिए से होता है, और इट हेल्प इन द यूज़फुल वेरिएशन, यानी ये जो है यूज़फुल है वेरिएशन को ट्रांसफ़र करने में भी मदद करता है। वैसे हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इट इज़ यूजफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हेरिडिटी एक तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो इसका पॉइंट है, इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसकी मदद से हम जेनेटिक्स की स्टडी भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जॉन ग्रेगर मेंडल वॉज ए फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, ही स्टडी द पी प्लांट एंड ही गिव द आइडिया ऑफ द ट्रांसमिशन और इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। तो जेनेटिक्स की स्टडी से आसान हो जाती है। इट ऑल्सो हेल्प इन द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन, यानी अगर इस इवोल्यूशन की स्टडी हमको करना है तो इससे हमको पता चलता है, हेरिडिटी की मदद से हम उसके पता लगा सकते हैं, और उसके जरिए से हम उसके अंदर होने वाले वेरिएशन का भी पता लगा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ द वेरिएशन, इट इज वेरी हेल्पफुल इन द स्टडी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एंड टू डायग्नोज द हेरिडिटिकल डिसीजेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिस्ट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस विच आर वेरी हेल्पफुल इन द स्टडी और इन द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो एक्सप्लेन किया है, ये लेमार जीन बैप्टिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, और इनके इस नज़रिए को, इन कॉन्सेप्ट को हम लेमार्किज्म या लेमार्कियन इनहेरिटेंस या नियो लेमार्किज्म भी कहते हैं, या इसे हम सॉफ्ट इनहेरिटेंस भी कहते हैं, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म कैन पास ऑन टू इट्स ऑफस्प्रिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट पेरेंट ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड थ्रू द यूज और डिसयूज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। यानी जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने पूरे लाइफ टाइम में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो उनके लिए यूजफुल हो या वो यूजफुल हो, वो लाइफ टाइम जो एक्वायर्ड करते हैं वो उनके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर देते हैं, और इसी को इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा गया है। ये लेमार्क जीन बैप्टिस्ट ने जो है इसको
जो है एक्सप्लेन किया, और इसी के नाम पर उसको लेमार्किज्म भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पीसीज एंड स्पीसिएशन। तो हम ये स्टडी करते हैं स्पीसीज कैसे तैयार होती है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट है ये हमको डार्विन के थ्योरी में देखने को मिला है, ओरिजिन कैसे तैयार होती है, स्पीसीएशन कैसा होता है। तो स्पीसीज एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो एक साथ मिलकर इनब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और जिनके अंदर जो है नेचुरली जो है जिनके अंदर जो है नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, नेचुरल रिप्रोडक्शन के जरिए से या नेचुरल प्रोसेस के जरिए से जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं और स्पीसीज पैदा करते हैं, ऐसे ग्रुप को हम स्पीसीज कहते हैं। तो ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, और स्पीसीज क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमी, है कि नहीं, जीनस स्पीसीज बायनोमियल नॉमिनल सिस्टम के अंदर जो है स्पीसीज हम पढ़ते हैं, जीनस हम पढ़ते हैं। तो जीनस और स्पीसीज ए स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के या टैक्सोनॉमी के। इसी तरह से स्पीसिएशन किसे कहते हैं, स्पीसिएशन बोले तो स्पीसीज का बनना। तो स्पीसीज कैसे बनती है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं ईच स्पीसीज ग्रो इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजंस कंडीशंस, देयर फूड हैबिटेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड ब्रीड इज डिफरेंट, हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अर्लियर वन। बीसाइड जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, सिमिलरली जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड टू स्पीसीज। यानी जो भी नई स्पीसीज बनती है उसके लिए कुछ चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, एक तो जियोग्राफिकल कंडीशन जिम्मेदार होती है, वहाँ उनका रहना, उनका खाना, उनका उनका जो है रिप्रोडक्शन करना, ये जो एबिलिटी रहती है वो उसकी वजह से उनके अंदर वेरिएशंस आते हैं, और ये वेरिएशन जो लीड करते हैं तो उसमें जो है हम देखते हैं कि जियोग्राफिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, वो पहले अपने पेरेंट्स या अपने फोर फादर से या अपने एंसिस्टर से जो है थोड़ा डिफरेंट नज़र आते हैं इस चेंजेस की वजह से, वेरिएशंस की वजह से। इसी तरह से एक नई स्पीसीज का वजूद होता है जिसे डार्विन ने कहा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड दैट इज लीड टू द स्पीसीएशन, इसे हम कहते हैं स्पीसीज का बनना, स्पीसीएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर दैट इज विच जेनेटिक डिसऑर्डर आर कॉज बाय म्यूटेशन, म्यूटेशन के जरिए से कौन कौन से जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि म्यूटेशन की वजह से बहुत सारी चेंजेस होती है। म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन द जेनेटिकल स्ट्रक्चर और जेनेटिकल मेकअप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द यस म्यूटेशन। यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके जो जेनेटिकल मेकअप रहता है या उसकी जीन ऑर्डर जो रहती है या उसके न्यूक्लियोटाइड रहते हैं उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उन तमाम चेंजेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो इट इज सडनली ऑकर्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है वेरिएशंस होते हैं, हमने कहा उसको यूजफुल वेरिएशंस है ना, और कुछ जो वेरिएशन जो होते हैं वो यूजफुल नहीं होते हैं, वो उसके लिमिटेशंस होते हैं, वो डिसएडवांटेज होते हैं और वो यूजफुल वेरिएशंस नहीं रहते हैं। तो जो यूजफुल वेरिएशंस नहीं रहते हैं दे लीड द जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। अब वो कौन से है, सिकल सेल एनीमिया है, एल्बिनिज्म है, हेमोफिलिया, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये कुछ डिसीजेस हैं जिसको हम जेनेटिकल डिसऑर्डर कहते हैं कॉज ड्यू टू द म्यूटेशन। जैसे सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसमें क्या होता है जो हीमोग्लोबिन है या फिर हम कहते हैं आरबीसी जो है, ये जो बायकॉन के होते हैं इनकी सरफेस जो है कम हो जाती है और सिकल टाइप हो जाते हैं और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनकी कम हो जाती है, इट इज़ ड्यू टू द जेनेटिकल डिसऑर्डर इन द सेल ऑफ द यस आरबीसी। तो ऐसी अल्बिनिज्म है, हीमोफीलिया, ये सब जो है नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर है। एग्जाम्पल के तौर पर सिकल सेल एनीमिया कैसा होता है ये मैंने आपको समझाया। तो एनीमिया इज द डिसीज ऑफ द ब्लड इन विच द सेल शेप इज रिड्यूस और डिक्रीज द साइज सरफेस ऑफ द सेल बाय कॉन्क्यू शेप ऑफ द आरबीसी इज लुक लाइक द यस सिकल सेल टाइप, ओके सिकल टाइप। दूसरा है डिफाइन द इविडेंस ऑफ इवोल्यूशन शोन इन द फिगर। अब आपको ये फिगर दी जा रही है, आपको उसमें बताना है कि कौन सा एविडेंस है ये। देखिए डेफिनेटली यू विल सी एंड यू विल गिव द आंसर, यस अपेंडिक्स यहाँ दिखाया जा रहा है, तो ज़रूर ये होंगे। फिर कौन से एविडेंसेस होंगे, विस्टिजियल ऑर्गन्स होंगे। विस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं आपको मालूम है, विस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो डीजेनरेटेड होते हैं या अंडर डेवलप रहते हैं और यूजलेस ऑर्गन होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर। एनी ऑर्गन को हम विस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का कोई काम हमारे बॉडी में नहीं है। अपेंडिक्स इज यूज फॉर द ग्रेजिंग एनिमल्स टू डाइजेस्ट द सेलुलोस। अब हमारे बॉडी के अंदर सेलुलोस का डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, इसलिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि अपेंडिक्स उसको डाइजेस्ट करे। तो हमारे लिए ये यूजलेस हो गया, डिजनरेटेड हो गया। इसी तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत सारे, विजडम टीथ हैं, ठीक है, टेल बोन है, कोकिक्स है,
विजडम टीथ है, ईयर मसल्स है, ये सब हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देख रहे हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए व्हाट आर द मेन एनर्जी सोर्सेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, लिपिड्स है, आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम इनसे एनर्जी हासिल करते हैं सेलुलर एक्टिविटी के लिए, बॉडी एक्टिविटी के लिए, लोकोमोशन के लिए और डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के फंक्शन के लिए। दूसरा है व्हाट इज द सेलुलर रिस्पिरेशन, स्टेट द नेम्स ऑफ इट्स टू मेथड। तो सेलुलर रिस्पिरेशन उस रिस्पिरेशन को कहते हैं जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है कम्प्लीटली सेल के अंदर ऑक्सीडाइज होता है, जिससे हमको 38 ATP मॉलिक्यूल्स या 26 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं, सेलुलर लेवल पर होता है। ये जो सेलुलर रिस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप, और इसी को हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती है, एक कहलाता है एरोबिक रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू डिकम्पोज और टू ऑक्सीडाइज द फूड मॉलिक्यूल्स। दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, देर इज नो नीड ऑफ द ऑक्सीजन टू डिकम्पोज द फूड मॉलिक्यूल्स। तो ये दो मेथड्स है स्टूडेंट्स के। तीसरा क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन, इट इज कॉमन फॉर बोथ द रिस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स विच मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पाइरुविक एसिड, यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का सिक्स कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का तीन कार्बन कंपाउंड पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसी तरह से पाइरुविक एसिड तैयार होता है, इसमें एटीपी तैयार होता है, NADH2 तैयार होता है एंड वाटर, ये सब चीजें इसमें तैयार होती है। विच मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, तो यू कैन से ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच द वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द टू मॉलिक्यूल ऑफ द पाइरुविक एसिड एंड देयर इज आल्सो ATP, NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म। तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक साइकिल है, इट आल्सो ऑकर इन द साइक्लिक मैनर और स्टेप वाइज, ओके स्टेप बाय स्टेप ये भी होता है, और इसमें भी जो है ATP, NADH2 और वाटर मॉलिक्यूल तैयार होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिस्पिरेशन सेलुलर रिस्पिरेशन। सेकंड इज विच मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म आफ्टर होल ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम। तो स्टूडेंट्स एसिटिल कोएंजाइम ए क्या है ये पहले समझ लीजिए। एसिटिल कोएंजाइम ए वो कंपाउंड है जो पाइरुविक एसिड बनने के बाद तैयार होता है। यस, एसिटिल कोएंजाइम ए वो कंपाउंड है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेलुलर रिस्पिरेशन के तीन स्टेप्स है। पहला स्टेप इसका ग्लाइकोलिसिस है, इट इज कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस के बाद फॉर्मेशन ऑफ पाइरुविक एसिड जो होता है वो पाइरुविक एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पिरेशन का दूसरा मरहला ग्लाइकोलिसिस के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल होता है, क्रेब साइकिल के लिए एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना जरूरी है। अगर ये एसिटिल कोएंजाइम ए नहीं तैयार होता है तो ये एसिटिल कोएंजाइम को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए से, और इस तरह से जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज नहीं हो पाता है, जिससे हमको कंप्लीटली जो है लार्ज नंबर ऑफ द एनर्जी इज नॉट ऑब्टेन्ड। तो एसिटिल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज थ्रू द साइक्लिकल प्रोसेस एंड मॉलिक्यूल CO2, H2O, NADH2, Fe2 आर ग्रेव्ड। तो ये जो एसिटिल कोएंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके मैट्रिक्स के अंदर और उसके क्रिस्टी के ऊपर जो है ये पूरे जो है मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, और ये भी एक साइक्लिक रिएक्शन है, इसमें बहुत सारे एसिड तैयार होते हैं। क्रेब साइकिल इसका नाम है, दूसरा नाम इसका TCA साइकिल भी कहते हैं इसको हम। ट्राई कार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, इसलिए कि इसमें कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप वाले जो एसिड है वो तैयार होते हैं। इसी तरह से इसका नाम सैटिक एसिड साइकिल भी है, क्यों इसको सैटिक एसिड साइकिल कहते हैं, इसलिए कि इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो एसिटिल कोएंजाइम के बाद तैयार होता है वो सैटिक एसिड तैयार होता है, इसलिए इसको सैटिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो क्रेब साइकिल, उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, क्रेब साइकिल, TCA ट्राई कार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल, और तीसरा नाम क्या काम है अभी इसका, सैटिक एसिड साइकिल। तो ये इसके नाम है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू कंप्लीट ऑक्सीडाइज ऑफ द ग्लूकोज इनटू द एनर्जी। तो इस तरह से क्या क्या तैयार होता है, इसमें CO2 तैयार होता है, ये वही CO2 है जिसको रिस्पिरेशन के जरिए से हम एक्सहेल करते हैं बॉडी से। इसी तरह से H2 इसमें तैयार होता है, NADH2, FADH2, दे आर द सोर्स ऑफ द यस एनर्जी, यानी यही NADH2 और FADH2 जो है बाद में काइमेटिक तब्दील हो जाते हैं, ATP के अंदर तैयार हो जाते हैं, और ATP इज व्हाट, ATP इज व्हाट, इट इज द करेंसी ऑफ द सेल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी।
तो स्टूडेंट्स ये सब चीजें हैं, इसलिए इसको मैंने डिटेल में समझाया एसिटिल कोएंजाइम ए क्या है। इसके बाद विच अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज लिपिड्स प्रोटीन ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट फूड मॉलिक्यूल्स, और इनका डाइजेशन जो है कम्प्लीटली जो है हमारे बॉडी के अंदर होता है। जैसे ग्लूकोज का डाइजेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट के जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसका डाइजेशन के जरिए से ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं वो। इसी तरह से फैट्स के लिपिड्स के मॉलिक्यूल जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स और सब मॉलिक्यूल्स दे आर कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड्स जो है हमको कौन कौन सी शक्ल में मिलती है, तो ये अमीनो एसिड की एक लिस्ट है यहाँ पर, मेलेनिन केरेटिन एक्टिन मायोसिन ओसिन इंसुलिन ट्रिप्सिन हेमोग्लोबिन ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट हार्मोन और इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन ऑफ द लाइफ। जैसे मेलेनिन इज प्रेजेंट इन आवर स्किन, केराटिन इज प्रेजेंट इन द हेयर, एक्टिन इज प्रेजेंट इन द मसल्स, मायोसिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मसल्स, ओसिन प्रेजेंट इन द बोन्स, इंसुलिन इज द हार्मोन विच इज सेंसिटाइज इन द पेनक्रीज, ट्रिप्सिन इज द हार्मोन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, हेमोग्लोबिन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। तो ये इंपॉर्टेंस अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स है जो डाइजेशन के बाद हमको हासिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेन द यूज ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड इज द सिंपल फॉर्म ऑफ ऑफ फैट और लिपिड्स मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फैट्स और लिपिड ड्यूरिंग द डाइजेशन। तो इससे हमको क्या क्या मिलते, फैटी एसिड यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन, इससे बहुत सारे हार्मोन तैयार होते हैं। जैसे हमने अमीनो एसिड से बने हुए हार्मोन ऊपर देखे, उसी तरह से इससे तैयार होते हैं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्ड्रोस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये वो हार्मोन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहलाते हैं या फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। एल्ड्रोस्टेरोन इट इज ऑल्सो द मेल सेक्स हार्मोन एंड इट इज हार्मोन विच इज रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द किडनी इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो एल्ड्रोस्टेरोन ये किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस इन द ओवरी। तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो फैटी एसिड से तैयार होते हैं। इसी तरह से हम 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है हम एक लिपिड के एक मॉलिक्यूल से हम हासिल करते हैं एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा जो है हमको एनर्जी से हासिल होती है पर ग्राम ऑफ लिपिड से, 1 ग्राम लिपिड से हमको 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी हासिल होती है। इसी तरह से एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, हमारे बॉडी के अंदर जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो फैट को जमा करके रखते हैं जिससे हमारे अंदर मोटापा भी आता है और इट एक्ट्स एज द इंसुलेशन का भी काम करती है। फॉस्फोलिपिड हम जानते हैं क्या है, फॉस्फोलिपिड्स आर द मॉलिक्यूल्स विच इज फॉर्म बाय द लिपिड्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार करते हैं और फॉस्फोलिपिड जो तैयार होती है फैटी एसिड से तैयार होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर विटामिंस, विटामिंस क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के जो है ये इंपॉर्टेंट ग्रुप्स सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए जरूरी है। इसके 2 ग्रुप्स है, एक ग्रुप कहलाता है विटामिन्स ए बी सी डी ई के। तो स्टूडेंट्स ये 6 विटामिन्स हैं और ये 6 विटामिन्स के 2 ग्रुप हैं, ए डी ई के ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, मैंने दिस विटामिन्स आर सोल्यूबल इन द फैट। दूसरा कहलाता है बी एंड सी, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, इनको हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं। तो 6 विटामिन्स है ए बी सी डी ई के, और इसमें से 4 जो है वो फैट सोल्यूबल है ए डी ई के, और बी और सी जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ सेल डिवीजन टू योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त को बताइए कि सेल डिवीजन के क्या एडवांटेज है। तो हम जानते हैं कि सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, इसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सेल की एक कैपेबिलिटी होती है, एक एबिलिटी होती है, एक सेल के अंदर एक टोटी पोटेंसी होती है कि सेल डिवाइड इट सेल्फ। सेल अब इट सेल्फ डिवाइड होता है तो कितने डिवाइड होता है, पूरा सेल डिवाइड होता है, इससे 2 डॉटर सेल तैयार होते हैं। तो हम देखते हैं कि सेल डिवीजन ये 2 तरह की होती है, एक होती है माइटोसिस एक मियोसिस। तो माइटोसिस जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। माइटोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, इससे मास बायोमास भी इंक्रीज होता है। इसी तरह से दूसरी जो सेल डिवीजन है वो मियोसिस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, और गैमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूजन ऑफ द फॉर द रिप्रोडक्शन। तो गैमेट तैयार होंगे तो रिप्रोडक्शन होगा तो जाइगोट तैयार होगा, उससे नया इंडिविजुअल जो है नया ऑफस्प्रिंग तैयार होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, तो सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंट बहुत है।
आप देखिए एक एक करके मैं सो एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सेल डिवीजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन. यानी जो सेल डैमेज हो जाते हैं उसके लिए भी जरूरी है, उसको रिपेयर करने के लिए. जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, हमारे ओल्ड हीलिंग के लिए जरूरी है सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी. रिन्यूइंग डैमेज सेल, डैमेज सेल को रिन्यू करने का काम सेल डिवीजन से होता है. न्यू सेल जो है वो ओल्डर सेल से न्यू सेल तैयार होते हैं सेल डिवीजन की वजह से. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इससे रिस्टोर होते हैं. रिपेयर कंट्रोल डैमेज कॉज ड्यू टू सेल ऑल्सो हेल्प इन द सर्वाइवल, सर्वाइव करने में मदद करते हैं, ग्रोथ में मदद करते हैं, डेवलपमेंट में मदद करते हैं. और इसी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट शेप, साइज और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट मिलता है. इसी तरह प्लांट के अंदर माइटोसिस जो है वो न्यू पार्ट बनाने में, उसको रिपेयर करने में और उसके डैमेज पार्ट्स को निकालने में मदद करती है. तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिगर. आप फिगर दी जा रही है, आप जानते हैं ये फिगर को देखते से पहचान लेंगे कि एक सेल है वो डिवाइड हो रहा है. तो सेल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं सेल डिवीजन जो होती है. सेल डिवीजन के अंदर पहला जो प्रोसेस होता है डेट इज द कैरियोकाइनेसिस. और जैसे ही सेल के अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हो जाते हैं, तो उसी के बाद जो है फॉरन जो डिवीजन होती है वो डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की. डेट डिवीजन इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस. तो इस फिगर के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, सेल डिवीजन हो रही है, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है साइटोकाइनेसिस के जरिए. जो न्यू दो न्यू सेल तैयार हो रहे हैं और वो न्यू सेल जो तैयार हो रहे हैं वो एक प्लेन से तैयार हो रहे हैं, कैसे भी नहीं हो जा रहे बल्कि इक्वेटोरियल प्लेन से तैयार हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है दो इक्वल हाफ में साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो नए सेल में इक्वली डिवाइड होकर दो नए सेल तैयार होते हैं, डॉटर सेल तैयार होते हैं. तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द सेल डिवीजन. ओके, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेप ऑफ सेल डिवीजन इन द शोन फिगर. देखिए अब यहाँ पर बताया जा रहा है सेल डिवीजन के स्टेप्स हैं. इसके अंदर जो है आप डिवीजन को देख लीजिए कैसे डिवीजन हो रही है. दो अलग अलग सेल, एक ही सेल के दो पार्ट होते हैं बताया गया इसके अंदर. एक पार्ट जो है ऊपर जो है सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर्स वो क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपोजिट पोल की तरफ, दूसरी तरफ का अपनी तरफ खींच रहे हैं. और इस ये जो स्टेप है इसमें जो है हमको जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट नज़र आते हैं, दो आर्म वाले नज़र आते हैं और पेयर में नज़र आते हैं. और इसी तरह से उसका हमको सेंट्रोमियर नज़र आता है और वो सेंट्रोमियर अटैच होता है स्पिंडल फाइबर से. ये स्पिंडल फाइबर्स खींचते हैं क्रोमोसोम को अपने अपने इक्वेटोरियल प्लेट से दोनों दोनों अपोजिट पोल की तरफ, जिससे इक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होती है. दिस फेज इज कॉल्ड एज एनाफेज. तो ये एनाफेज में होता है. एनाफेज के अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट, देयर वाइज सिस्टर क्रोमेटिड उसमें तैयार होते हैं और सेपरेट होते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. और सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम और सेटर क्रोमोसोम तैयार करते हैं. डॉटर क्रोमोसोम जो है पोल करती है और इसमें बंच ऑफ बनाना जैसे नजर आते हैं हमको, और यही जो है सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें तैयार होते हैं जो अपोजिट पोल के ऊपर सेल के हमको दिखाई देते हैं. तो स्टूडेंट्स ये 18 नंबर का क्वेश्चन हुआ है. आइए 19 नंबर का क्या देखते हैं. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन ड्रॉ नेट लेबल डायग्राम. ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कुछ लिखना नहीं पड़ता आपको, बहुत कम लिखना पड़ता है और बहुत अच्छे से इसके जवाब देना पड़ता है. ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं. देखिए एक डायग्राम आपको दी जाएगी, ठीक है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ गया है. अब आपको इसमें एक्सप्लेनेशन से पहचानना है आपको किस तरह का रिप्रोडक्शन है, और दूसरा क्या पहचानना है कि इसमें इसकी डायग्राम बताना है, ठीक है. तो द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू द मेनी फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लाइव एज इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म. तो स्टूडेंट फ्रेगमेंट से आपके समझ में आ गया होगा, ये फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशली इन द अल्गी स्पायर वगैरह में होता है, वो डायग्राम ये बनाना है आपको. एक स्पायर वगैरह जो है वो उसका ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, फिर साइज में बढ़ जाता है, फिर उसके इक्वल जो टुकड़े होते हैं वो दो टुकड़े जो है फिर डॉटर जो उसके ब्रेक फ्रेगमेंट रहते हैं वो फिर ग्रोथ करते हैं, डेवलप होते हैं, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म से तैयार होते हैं. इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म के जो टुकड़े होते हैं ब्रेकअप होते हैं वो मैनी फ्रेगमेंट में, वो मैनी फ्रेगमेंट जो है न्यू इंडिविजुअल के तौर पर जो है न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पर जो है जिंदगी गुजारते हैं. तो इस तरह से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन इसकी टाइप है, ठीक है. दूसरा गिव टू एग्जांपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच फॉलो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. अब इस तरह का रिप्रोडक्शन किस किस में होता है, स्पायर वगैरह में होता है, दूसरा साइकोन में होता है. साइकोन ये एनिमल्स के फाइलम से ताल्लुक रखता है जिसे हम पोरीफेरा कहते हैं. पोरीफेरा में यही होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी, लाइक स्पायर वगैरह. उसमें भी क्या होता है, उसका जो पार्ट टुकड़े हो जाते हैं उसके पार्ट के वो रिजनरेट होते हैं, और रिजनरेशन होने के बाद वो न्यू ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 20,
What would be the effect of if meiosis did not occur in the nature? अगर meiosis नहीं होता तो क्या होगा? तो हम जानते हैं meiosis is very important cell division for all living organism. हम देखते हैं कि कुछ living organism जो है asexually reproduce होते हैं. तो जो asexual reproduction होता है it is due to the mitosis. ठीक है, तो उसमें क्या होता है asexual reproduction में students? Asexual reproduction में ये होता है कि जो पेरेंट सेल जो है वो इक्वली डिवाइड होता है टू डॉटर सेल के अंदर विद इक्वली डिवीजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो माइटोसिस इज द फास्ट एंड रैपिड प्रोसेस जो असेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है. ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इससे होता है. इसी तरह से दूसरे जो टाइप के सेल्स होते हैं वो सेल्स कहलाते हैं सेक्स सेल्स. सेक्स सेल्स में जो होती है वो मियोसिस होती है. मियोसिस में क्या होता है कि जो सेल डिप्लॉयड होते हैं ये डिप्लॉयड सेल जो होते हैं ये हैप्लॉयड सेल्स बनाते हैं. जैसे पोलन ग्रेन का बनना, गैमेट्स का बनना, ये मियोसिस के जरिए होता है. मियोसिस इट ऑकर इनटू टू फेज, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड. तो मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी वजह से क्या क्या होता है, गैमेट तैयार होते हैं. अगर गैमेट में तैयार होंगे तो अपोजिट मेल और फीमेल गैमेट में तैयार होंगे तो उनका फ्यूजन नहीं होगा. फ्यूजन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा. रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं तैयार होंगे. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन द नेचर नई नस्ल हासिल करने के लिए, नए ऑफस्प्रिंग हासिल करने के लिए, अच्छे अच्छे वेरिएशंस हासिल करने के लिए, न्यू स्पीसीज हासिल करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. रिप्रोडक्शन कब होगा? जब गैमेट्स बनेंगे. गैमेट्स जब बनेंगे तो क्या होगा, दो अलग अलग जेनेटिकल मटेरियल फ्यूज होंगे और उससे हमको ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे और यही वेरिएशंस विल लीड टू द यस इवोल्यूशन एंड विल लीड टू द न्यू स्पीसीज. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यही चीज समझाएंगे, मियोसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग सेल फ्रॉम डिप्लॉयड फ्रॉम टू हैप्लॉयड फॉर्म. दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. वेयर देयर आर नो मियोसिस मींस नो गैमेट फॉर्मेशन, देन नो फर्टिलाइजेशन. अगर गैमेट नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ठीक है, ऑन ऑब्सेंस ऑफ द मियोसिस सेल विल एंड अप द टू डिवाइड. अगर मियोसिस नहीं होगा तो सेल डिवाइड होना बंद कर देंगे. मियोसिस इज टू माइटोसिस इज टू इंक्रीज द नंबर बट विल नॉट क्वालिफाई टू गैमेट. तो माइटोसिस में क्या होगा, नए नए सेल बनेंगे, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा. गैमेट फॉर्मेशन में तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो न्यू जनरेशन विल नॉट ऑब्टेन. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस क्वेश्चन, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सिंबल ए बी सी शोन इन द फिगर विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के हिसाब से तीन यहाँ डायग्राम दी गई है, तीनों डायग्राम को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, पहला जो है ए है, सिंबल ए, ये क्या शो कर रहा है, डिस्पोज यूर वेस्ट इन डस्टबिन और ट्रैश बिन. ठीक है, दूसरा है सेव एनर्जी, ठीक, कंजर्व एनर्जी, इंडिकेट दैट सिंबल बी कंजर्व एनर्जी. तीसरा है सेव वाटर. तो ये तीन सिंबल है, ऐसे तीन सिंबल दिए जाएंगे, आपको उनको आइडेंटिफाई करना होगा. तो आपको लिखना है आंसर, आंसर भी लिखना पड़ेगा कि सिंबल ए इंडिकेट दैट डिस्पोज यूर वेस्ट इन डस्टबिन और ट्रैश बिन, बी इंडिकेट दैट कंजर्व एनर्जी, ठीक है, सी इंडिकेट दैट सेव वाटर. ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट. स्टूडेंट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चार्ट आपको दिया जाएगा, इसमें चार आपको जो है ऑप्शंस फिल करना है. क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, तो हम जानते हैं कि जो थ्रेटन स्पीसीज है वो चार है. एक है इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक है रेयर स्पीसीज, एक है वल्नरेबल स्पीसीज और इनडिटर्मिनेट स्पीसीज. ये चार स्पीसीज जो है वो स्पीसीज है जो थ्रेटन स्पीसीज है और ये जो है कुछ तो इंडेंजर्ड हो रही है, कुछ रेयर है, कुछ इंडिटर्मिनेट है, कुछ वल्नरेबल है. ये चारों के एग्जांपल आप जो है टेक्स्ट बुक से देखकर याद कर सकते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, रेयर स्पीसीज में क्या है. इस तरह से आप ये कंप्लीट फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट को कम्प्लीट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, डेट इज कंप्लीट द फूड चेन. फूड चेन आपको मालूम है, आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो. फूड चेन में क्या होती है, यहाँ पर तीन चीजें दी हुई है, ग्रास, फ्रॉग, ईगल. ठीक है, प्रोड्यूसर ग्रास है, फ्रॉग कंज्यूमर है, ईगल भी कंज्यूमर है. लेकिन यहाँ ग्रास से पहले क्या आना चाहिए था, यस ग्रास ऊपर, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, ग्रास इटन बाय द ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर इटन बाय फ्रॉग और फ्रॉग इटन बाय स्नैक, स्नैक इटन बाय यस ईगल. तो ये हुई कंप्लीट फूड चेन. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर वल्नरेबल स्पीसीज. अभी हमने पढ़े हैं इसकी कौन कौन सी दो एग्जांपल है. तो वो स्पीसीज जो एक्सट्रीमली बहुत कम हो गई है और दिन पे दिन जो है कंटिन्यूस वो डिक्लाइन हो रही है, कम होती जा रही है. तो उनके अंदर कंटिन्यूस जो उनके नंबर में डिक्लाइन हो रहा है उसे हम जो है वल्नरेबल स्पीसीज कहते हैं और इसके एग्जाम्पल लॉयन है, टाइगर है. दूसरा क्वेश्चन है, लेबल द फिगर. एक फिगर दी जाएंगे आपको, उसको लेबल करना है. ये हम जानते हैं एविस जो बर्ड्स है उस क्लास से ताल्लुक रखता है, पिजन है. ठीक है,
इसके लेबलिंग में सबसे पहले हम बीक नाम देंगे, दूसरी लेबल को हम नेक देंगे, तीसरे को हम फीजर्स देंगे, चौथे को क्लॉज देंगे। ये डायग्राम आपको प्रैक्टिकल में भी है और यही डायग्राम जो है आपको एग्जाम में भी आ सकती है या फिर एविस की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आ सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लोइंग चार्ट, फ्लो चार्ट। तो चार्ट को कंप्लीट करना है तो आपको यहाँ क्या क्या दिया हुआ जाएगा, पाइसिस दिए जाएंगे, एम्फीबियन दिए जाएंगे, मैमिलियन दिए जाएंगे, रेप्टिलियंसिस को आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो हम जानते हैं पाइसिस की स्पेल एग्जाम्पल क्या है, रू है, पॉम्फ्रेट है, सी हॉर्स है, शार्क है, इलेक्ट्रिक रे है, स्टिंग रे है, एम्फीबियंस में फ्रॉग, टोड, सिलेमेंडर, मेमल्स में एलिफेंट, ह्यूमन कंगारू, डॉल्फिन, बैट, रेप्टिलियंस में टॉर्टोइस, लिजर्ड, स्नेक्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी की एक्टिविटी जाएंगी, कहा जा रहा है आपको हो एम आई इफ आई रिस्पायर विद गिल्स, गिल्स से कौन रिस्पिरेशन करते हैं हमको हम जानते हैं, पाइसिस मछलियां करती हैं, फिशेस करती हैं। आइडेंटिफाई मी इफ आई एम वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल एविस और मैमल्स हैं, ठीक है। हु एम आई इफ आई हैव मेमोरी ग्लैंड्स, मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम द फाइलम इन विच अर्थवर्म एंड स्टारफिश बिलोंग, तो फाइलम का अर्थवर्म का ताल्लुक एनिलिडा से है और स्टारफिश का ताल्लुक एकाइरोडर्मेटा से है। इसी तरह हाउ डज लोकोमोशन ऑकर इन अर्थवर्म एंड स्टारफिश, तो लोकोमोशन जो अर्थवर्म में होता है वो सीटे की वजह से, तो टीफेट की वजह से, और अर्थवर्म में जो सीटे की वजह से होता है और ट्यूब फीट जो है स्टारफिश में यूज की जाती है लोकोमोशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच फाइलम आई बिलोंग टू, आई हैव स्टिंग टू प्रिक, सिलेंट्रेटरा, सीडे, रिया करके ग्रुप ऑफ एनिमल है, इनमें सीडोब्लास्ट होता है, सीडोब्लास्ट के जरिए से ये अपने टेंटिकल्स में एक जो है टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, उस सीडोब्लास्ट में होता है वो टॉक्सिन, और सीडोब्लास्ट जो है वो टॉक्सिन जो है वो टेंटिकल चुबाता है अपने प्रे को और इस तरह से वो खत्म हो जाता है। ये फाइलम जो है सीडेरिया कहलाता है जिसमें स्टिंग चुबाई जाती है, यस, इसी जरिए से टेंटिकल्स के जरिए। क्वेश्चन नंबर 43, वी आर क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, ये दो एनिमल्स है इनका ताल्लुक कौन से फाइलम से है तो वो देखना है हमको। टू विच फाइलम वी बिलोंग टू, ये फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्लास रेप्टिलिया से इनका ताल्लुक है। इन विच थ्री सेक्शन अवर बॉडी डिवाइड, इनकी बॉडी तीन सेक्शन में डिवाइड है, हेड, नेक और ट्रंक। वी कांट ब्रीथ इन वाटर, व्हाई, क्यों नहीं हम पानी में ब्रीथ करते हैं, पानी में रह सकते हैं लेकिन ब्रीथ नहीं कर सकते हैं फ्रीली, क्यों, इसलिए कि इनकी बॉडी में लंग्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच फाइलम द एनिमल हैव सीटे और पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन, यस, एनिलिडा के अंदर जो है सीटे या फिर पैरापोडिया होते हैं जिसकी मदद से अर्थवर्म वगैरह जो है वो लोकोमोट करते हैं। विच फाइलम हैज द कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिनन जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो हम जानते हैं कि जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी जॉइंट जो लेग्स हैं या आर्म्स हैं वो कौन से एनिमल्स में होते हैं, वो आर्थ्रोपोडा में होते हैं। इन विच क्लास एनिमल हैव सॉफ्ट लेग्स, सॉफ्ट बॉडी वाले एक ही ग्रुप एनिमल्स हैं उनको हम कहते हैं मोलुस्का। आंसर द फॉलोइंग, अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन विच फाइलम इज एट लीस्ट लोवेस्ट लेवल, तो हायर एनिमल और लोअर एनिमल्स या हायर ग्रुप ऑफ एनिमल लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स हम ऐसा इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप करते हैं, एनिमल्स का ग्रुप बनाते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले एनिमल्स रखे गए हैं ग्रुप में वो पोरीफेरा है, जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी रखते हैं, सिंपल टाइप का जो है इवोल्यूशन रखते हैं, और इनका जो है इवोल्यूशन जो है वो लोवेस्ट लेवल का है। थ्रू विच होल द एनिमल इन द फाइलम गिव अस वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे सुराख होते हैं इनकी बॉडी में, उसी की वजह से इनको हम पोरीफेरा कहते हैं, और ये जो सुराख होते हैं वो ऑस्टिया होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल साइकॉन। थ्रू विच होल द एनिमल इन द फाइलम टेक वाटर इन देयर बॉडी, तो ये पानी जो ऑस्कुलियम छोटे छोटे सुराख से लेते हैं, छोटा सुराख होता है और उसके जरिए से बॉडी के अंदर पानी लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टू विच फाइलम वी बिलोंग टू इफ वी आर मैराइन एक्वेटिक एनिमल्स, तो ये एनिमल जो होते हैं ये स्टार फिश है, एकाइरोडर्मेटा से ताल्लुक रखते हैं, इनकी बॉडी के अंदर सिमेट्री होती है और उनकी बॉडी पर स्पाइनी स्काइन होते हैं। इनके अंदर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सीडोब्लास्ट फॉर अस, सीडोब्लास्ट जो एनिमल के बॉडी में होते हैं वो उसका यूज़ क्या है, तो सीडोब्लास्ट एक किस्म के सेल्स होते हैं, ये स्टिंग के काम में आते हैं और किसी भी प्रे को कैप्चर करने में काम में आते हैं, फूड कैप्चरिंग में काम में आते हैं, टेंटिकल्स के अंदर ये सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है,
एंकरेज डिफेंस ऑफेंस और टू कैप्चर द प्रे के लिए ये सीडोब्लास्ट का काम होता है। हाउ डू वी डिस्ट्रॉय द हार्मफुल इंसेक्ट, हार्मफुल इंसेक्ट को जो है टेंटकल्स के अंदर जो ये रहते हैं केमिकल्स रहते हैं, केमिकल सीक्रेट होता है टॉक्सिन, सीडोब्लास्ट के जरिए से इसके जरिए से प्रे को वो ख़त्म करते हैं या फिर प्रे को बेहोश कर देते हैं। गिव एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बहुत सारे एडवांटेज है। स्टडी ऑफ एनिमल बिकम कन्वीनियंट, इसकी वजह से एनिमल की स्टडी आसान हो जाती है। स्टडी ऑफ यू एनिमल्स फ्रॉम ग्रुप हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर एनिमल ग्रुप, अगर आपको किसी एक ग्रुप से एक एनिमल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाता है तो आप उसके पूरे ग्रुप की मालूम हासिल कर लेते हो। ये हमें एवोल्यूशन की आइडिया देता है, अभी जैसा बताया मैंने आपको क्लासिफिकेशन के जरिए से हम जो है लोअर एनिमल और हायर एनिमल को ग्रुपिंग करते हैं एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एनिमल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी, ग्रेट एक्यूरेसी के साथ हम एनिमल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनका जीनस क्या है, उनका स्पीसीज क्या है, वो कौन से क्लास से है, वो कौन से ऑर्डर से है, उनका कौन सा फाइलम है, उनका कौन सा सब फाइलम है। इट इज ड्यू टू द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स इन द क्लासिफिकेशन। तो इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन ऑफ एनिमल विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कनेक्टिंग लिंक को समझने में आसानी होती है कि कौन सा ग्रुप जो है वो कनेक्टिंग लिंक ग्रुप है और कौन से ग्रुप के लोअर कैरेक्टर है, कौन से ग्रुप के हायर कैरेक्टर्स हैं। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल, हर एनिमल का हैबिटेट समझने में मदद मिलती है और उनका नेचर में रोल समझने में मदद मिलती है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशन शोज बाय एनिमल, और कौन कौन से एडेप्टेशन वो एक्वायर्ड करते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो भी हमको समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक फिगर आपको दी जा रही है यहाँ पर, ये डेफिनेटली आपने फिगर देखते से पहचान लिया होगा, ये एस्केरिस की डायग्राम है, मेल और फीमेल एस्केरिस है ये, और इनका जो फाइलम है उसका नाम है एस्केल हेलमेंथ। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग थ्रेड लाइक, इनकी बॉडी जो लॉन्ग थ्रेड लाइक होती है सिलेंड्रिकल होती है, इन्हें इसलिए राउंड वॉर्म कहते हैं। ये एनिमल एक तो फ्री लिविंग होते हैं या एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट यानी होस्ट के बॉडी में, होस्ट के सेल में रहने वाले, फ्री लिविंग यानी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दो हैबिटेट होती है इनकी, फ्री लिविंग में पानी में रहने वाले या खुश्की पे रहने वाले। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है यानी तीन जर्म लेयर की बनी हुई होती है, और सीडोसिलिमेट होते हैं यानी इनकी बॉडी के अंदर सीलोम जो है वो फॉल्स होता है, बॉडी कैविटी फॉल्स होती है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड, इनकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, हेड नेक ट्रंक ऐसा कोई सेगमेंट नहीं होता है, या अर्थों में जैसे रिंग रिंग होती है बॉडी पे बनी हुई वैसी कोई सेगमेंट इनकी नहीं होती है, ये नॉन सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं और इनकी बॉडी पे टफ क्यूटिकल होता है। दिस एनिमल आर यूनिसेक्सुअल, बोथ दी सेक्सेस आर सेपरेटेड, एस्केरिस इंटेस्टिनल वॉर्म इज फिलिनर वॉर्म, लोअर लोअर आई वॉर्म, ये जो है सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, तीन आपको फिगर दी जा रही है, एक सेंटीपेड की है, एक बटरफ्लाई की और एक स्कॉर्पियन की है। स्टूडेंट्स ये जो एनिमल्स हैं इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक ही फाइलम में रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं, ये सबके सब ऑर्थोपोडा में रखे गए हैं, ठीक है, इनके जॉइंट डिपेंडेंसीज है। इसी तरह से इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो कौन से केमिकल का बना हुआ रहता है, काइटिन का बना हुआ रहता है। इसी तरह से इसकी जो एग्जांपल है, अनदर टू एग्जांपल ऑफ दिस फाइलम, क्रैब स्पाइडर स्कॉर्पियन मिलीपेड सेंटीपेड, ये सब इसके एग्जांपल है। कॉन्सेप्ट चार्ट, अब देखिए आप एक कॉन्सेप्ट चार्ट आपको दिया जा रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ को फैक्ट कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो इनक्यूरेबल डिसीजेस तो है, लिप्रोसी टीबी हेपेटाइटिस एड्स, ये इनक्यूरेबल डिसीजेस है, तो इससे सोशल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। इसी तरह से मेंटल स्ट्रेस से भी सोशल हेल्थ अफेक्ट होती है, और एडिक्शन से भी, एडिक्शन ऑफ द टोबैको, एडिक्शन ऑफ द अल्कोहल ड्रग्स, इसके एडिक्शन से भी सोशल हेल्थ। इसके बाद जो है स्टूडेंट आंसर द फॉलोइंग, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन विद अदर्स, अच्छा कम्युनिकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरों से हमने अच्छा कम्युनिकेशन अगर हम रखते हैं तो उससे हमको क्या क्या फायदे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कम्युनिकेशन इज वाइटल स्किल विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल लाइफ, यानी आप अपने एक पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन के जरिए से जो है एक इंपॉर्टेंट रोल, ये एक अच्छी स्किल है, बातचीत से आप जो है अपने प्रोफेशन में अच्छे इंसान बन सकते हो, अच्छे मार्केटर बन सकते हो, अच्छे बॉस अच्छे मैनेजर बन सकते हो। गुड कम्युनिकेशन विद अदर हेल्प टू ओवरकम योर प्रॉब्लम, अच्छी बातचीत से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको प्रोवाइड व्यू विद मोरल सपोर्ट, आपको मोरल सपोर्ट मिलेगा, और अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल ऑन द डिफरेंट इश्यूज, और आप मुख्तलिफ इशू पर जो है लोगों के पर्सपेक्टिव को समझने के
लायक होते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल हेल्प पीपल टू अगेन द कॉन्फिडेंस, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस इससे मिलता है और स्ट्रेस इससे खत्म होता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल से आपके अंदर जो है फ्रेंडशिप बनती है आपकी और आपके अंदर जो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग चलती है। ये इट ऑल्सो टीचर यू टू हाउ टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट्स, आपको अपनी बात रखने किस तरह से आपको बात रखना है ये कम्युनिकेशन स्किल से आप समझ सकते हैं, गुड कम्युनिकेशन समझ सकते हैं, बगैर किसी हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर, किसी के दिल दुखाए बगैर किसी के दिल दुखाए को आप किसी को हर्ट करें कि आप अपनी बात को किस तरह से रख सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल से आप ही समझ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द गुड कम्युनिकेशन स्किल रिजल्ट इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से जो है एक गुड ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता है इंडिविजुअल्स का। तो ये बेहतरीन स्किल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, यू हैव टू अडॉप्ट इट। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ यूर फ्रेंड हैज डेवलप द हॉबी ऑफ स्नैपिंग सेल्फीज। आप जानते हैं कि सेल्फी का एक रुझान अभी नौजवानों में हो गया है, इसकी वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग जो है बड़ी बड़ी चोटियों पर जाकर, बड़े बड़े जो है पहाड़ों पर चढ़कर या समंदर के इसमें जाकर या नदियों के एज पर जाकर जो है लोग सेल्फी लेते हैं, ये स्टंट करते हैं, ये खतरनाक है, जानलेवा है, इसे बचना चाहिए। तो इस तरह से आपका दोस्त अगर कोई इस तरह की हैबिट में है तो उसको सेल्फी साइट्स के क्या इफ़ेक्ट्स है, सेल्फी के ज़रिए से जो मौत हो रही है या जो खुदकुशियाँ हो रही है उसको सेल्फी साइट्स कह सकते हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट्स है, उसके क्या इल इफ़ेक्ट है, आप उसको समझाइए अगर आपके दोस्त के अंदर है। तो स्नैपिंग सेल्फी इज काइंड ऑफ एडिक्शन एंड दिस एडिक्शन इज़ नॉट गुड फॉर फिजिकल मेंटल और सोशल हेल्थ। इट मे इफ माई फ्रेंड इज एडिक्टेड टू टेकिंग सेल्फी आई वुड प्रीफर टॉकिंग टू हिम एंड हाईलाइट्स द डेंजर्स ऑफ टेकिंग इफ सेल्फीज, उसको जो है वो उसके क्या क्या खतरात हैं उससे आगाह करेंगे। आई वुड ब्रिंग इन टू हिज नोटिस, मैं उसकी इल्म में ये बात लाऊंगा, वेरियस इंसिडेंट्स विच हैव ऑकर ड्यू टू दिस सेल्फी एडिक्शन, ये सेल्फी एडिक्शन की वजह से कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए, कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है, उसके नोटिस में वो लेकर आएंगे। What will you do if the child of your neighbor is addicted to tobacco chewing? अगर आपके पड़ोस का कोई बच्चा tobacco chewing का addicted हो गया है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? If I find out that my neighbor's child is addicted to tobacco chewing, my first step would be to inform his parent. उसके parents को inform कर दीजिए। I would sit with the child and try to explain him harmful effect. उसको harmful effect of tobacco chewing बताना है। I will show him her certain videos and picture which highlight the damage caused by tobacco chewing के जरिए क्या क्या डैमेज होता है और कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स खराब होते हैं, उसको समझाया जाएगा। If required, we can take the child for professional advice. और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको काउंसिलिंग के लेके जाएंगे, प्रोफेशनल एडवाइस के लिए लेके जाएंगे ताकि वो इस एडिक्शन से बचे। स्टेट द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर विच आर इम्पॉर्टेंट इन व्यू ऑफ कॉमन सिटीजन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं ज़रूरी है, इमरजेंसी, ट्रांजिशनल फेज, रिकन्स्ट्रक्शन फेज आर द थ्री फेज ऑफ डिजास्टर डेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमन सिटीजन। राइट, इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिजास्टर्स, तो पॉलिटिकल अनरेस्ट, लॉस ऑफ पॉलिटिकल ट्रस्ट, पॉलिटिकल लिजिटिमेसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है। डिफाइन डिजास्टर, डिजास्टर क्या है? वेरियस डेंजरस इवेंट ऑकर मेनी टाइम्स इन द एनवायरमेंट, दोज आर कॉल्ड एज डिजास्टर्स। वाट आर द सेवन मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ये एक पूरी साइकिल है, इसके सात एस्पेक्ट्स हैं। एक है, पहला है प्रिपरेशन, रिडेम्पशन, प्रिपेयरनेस, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, रिस्पॉन्स, रिसर्जेंस, रिस्टोरेशन। तो ये सात डिजास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स हैं मैनेजमेंट साइकिल करने के लिए। गिव टू एग्जांपल ऑफ मॉक ड्रिल कौन कौन सी है? एक्सटिंग्विशिंग द फायर, रिस्क्यूइंग द पीपल ट्रैप एट हायर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, रिस्क्यूइंग द पर्सन हुज क्लॉथिंग हैव द कैच द फायर। राइट, फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल, एबिलिटिंग द रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओन एबिलिटीज, इंप्रूविंग द एबिलिटी ऑफ चेक क्विक रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, चेकिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लान एक्शन, आइडेंटिफाई द पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क। हाउ वुड वी रिस्क्यू द सिटीजन हुज क्लॉथ हैड कॉट द फायर? अगर कोई सिटीजन उसको जिसम को बॉडी को आग लगी तो हम क्या करेंगे? वो खुले में होगा तो उसकी बॉडी, क्योंकि आग लगने का अमल जो है ये ऑक्सीजन की वजह से होता है, तो उसकी बॉडी को ऐसे किसी कपड़े से ढक देंगे ताकि उसकी बॉडी का आग का और उस कपड़े के जरिए से ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट टूट जाए ताकि उसकी बॉडी कम से कम झुलसे, कम से कम उसको आग लगे। तो व्हेन क्लॉथ ऑफ पर्सन कैच फायर हिज बॉडी इज कवर्ड विद ब्लैंकेट टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एयर ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर कंबशन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर कंबशन विल नॉट ऑकर, हेंस द फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड।
इन इज द नेसेसरी मटेरियल इन द फर्स्ट एड किट। कौन कौन सी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें, बैंडेज स्ट्रिप ऑफ डिफरेंट साइज है, ऊन गेज है, ट्राइंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज, मेडिकेटेड कॉटन है, हैंड ग्लॉव्स है, क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ पीसेस है, सोप है, एंटीसेप्टिक डिटॉल सेलरॉन सरलॉन या फिर अभी सैनिटाइजर, सेफ्टी पिंस, ब्लेड, स्मॉल पिंस, नीडल, बैंडेड, टॉर्च, इंटर ये जो है सब चीज़ें आप ले सकते हैं, सीजर, थर्मामीटर, पेट्रोलियम जेली वगैरह। गिवन एग्जाम्पल ऑफ डिजास्टर ड्यू टू अनअवेयरनेस, अनअवेयरनेस की वजह से कौन कौन से डिजास्टर होते हैं तो हम देखते हैं क्लाउड बर्स्ट होता है, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, वोल्केनिक इरप्शन, ये नेचुरल होते हैं। मैन मेड के अंदर हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, सिक्योरिटी रिलेटेड टेररिज्म एंड सच फैक्टर आर गैस लीकेज, ऑयल स्पील, फायर एक्सीडेंट्स, व्हीकल क्रैशेज, ये सब जो है अनअवेयरनेस के होने की वजह से होने वाले डिजास्टर है, जिसमें कुछ मैन मेड है कुछ नेचुरल है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, तो प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ नेसेसरी हेल्प टू विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिफरली लोकल पीपल सेव्ड फ्रॉम द डिजास्टर इन अरेंजिंग द हेल्प टू द विक्टिम्स, क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ सेंटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंट्रोल सेंट्रल। गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ ह्यूज डिजास्टर, स्मॉल डिजास्टर, ह्यूज डिजास्टर में आते हैं अर्थक्वेक, साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट, फ्लड, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, स्मॉल डिजास्टर में आता है स्नेक बाइट, एक्सीडेंट, फायर वगैरह। साइक्लोन, कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिजास्टर, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन डिजास्टर, शॉर्ट ड्यूरेशन डिजास्टर में तो फेमाइन, वेरियस प्रॉब्लम ऑफ क्रॉप, स्ट्राइक ऑफ वर्कर, राइजिंग लेवल ऑफ द ओशियन, डिस्ट्रिफिकेशन एक्सेट्रा लॉन्ग ड्यूरेशन है। इन अकाउंट ऑफ डिजास्टर विच इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड, प्री डिजास्टर फेज, वार्निंग फेज, इमरजेंसी फेज, रिहेबिलेशन फेज, रिकवरी फेज, रिकंस्ट्रक्शन फेज। वाट इज द ट्रांजिशनल फेज ऑफ डिजास्टर, रिहेबिलेशन वर्क इज स्टार्टेड इन दिस फेज, आफ्टर दिस सब्सिडेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजास्टर, इट इंक्लूड क्लियरिंग ऑफ डिबरीज, रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई, रिपेयरिंग रोड, रिपेयरिंग रोड एक्सेट्रा, सो दैट इट विल हेल्प टू ब्रिंग नॉर्मलसी इन द पब्लिक लाइफ। एक्सप्लेन द सिंबॉल, कुछ सिंबॉल दिए गए आपको उसको पहचानना है, दो नंबर का सिंबॉल क्या है, दीज आर यूज फॉर प्रोडक्ट हैव डेथली इफेक्ट ऑन एक्सपोजर टू स्मॉल अमाउंट ऑफ इट, दिस इंडिकेटर प्रोडक्ट दैट हैज एक्यूट ओरल डर्मल और इनहेलेशन टॉक्सिसिटी, इट विल प्रूव फैटल इफ द प्रोडक्ट विद दिस सिंबॉल इज सॉलोड और इनहेल। देखिए ये प्रोडक्ट जो है खतरनाक गैस और खतरनाक जो लिक्विड होते हैं उसकी गाड़ियों पर इस पर आते हैं लिखा हुआ आता है ऐसा, या इसके गोडाउन पर ऐसा लिखा हुआ रहता है, इसके करीब नहीं जाना, इससे दूर रहना है, इससे हमको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। दूसरी जो है दूसरा सिंबल है, दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट इन हैजर्डस टू एक्वेटिक लाइफ, यानी एक्वेटिक लाइफ के लिए जो खतरनाक प्रोडक्ट होते हैं वो, इफ दिस प्रोडक्ट आर स्पिल्ड इन ओशियन और सीज देन इट कैन हैव फैटल और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इन 2020 द होल वर्ल्ड इज फेसिंग डिजास्टर, है ना, तो कौन सी डिजास्टर से हम सफर कर रहे हैं अभी, यस हम सफर कर रहे हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर से, डेट इज कोरोना। ओके, राइट द नेम ऑफ द वायरस कॉजिंग दिस डिजास्टर, कोरोना वायरस। विच फोर रूल्स यू फॉलो टू सर्वाइव फ्रॉम दिस डिजास्टर, तो हम क्या करेंगे, मास्क पहनेंगे, हैंड सैनिटाइजिंग करेंगे, डिस्टेंस बनाएंगे और चेहरे को बार बार हाथ लगाने से रुकेंगे। राइट एनी फोर इफेक्ट ऑफ दिस डिजास्टर ऑन यूर ऑब्जर्व, तो हम देख रहे हैं क्या क्या इफेक्ट है, इट कॉजेज डेथ है, इट अफेक्ट द डे टू डे लाइफ एंड ग्लोबल इकोनॉमी, ये इसके इफेक्ट्स है। ऑब्जर्व द गिवन फोटोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, दो डिजास्टर की फोटो है, फ्लड्स की है दोनों भी, एक मुंबई की है और एक जो है रत्नागिरी की, ये इसमें क्या है देख लीजिए आप, फ्लड्स डिजास्टर है ये फोटो में। राइट एनी टू इफेक्ट ऑफ दिस डिजास्टर, पहला इफेक्ट इसका क्या, कोलैप्सिंग ऑफ ब्रिज हो जाता है, मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड सॉइल इरोजन हो जाता है, स्पीड ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज हो जाता है। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, एक जो है अर्थक्वेक की है और एक हाउस ऑन फायर है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिजास्टर शोन इन द बोथ पिक्चर, द पिक्चर शोज अर्थक्वेक, बी शोज हाउस ऑन फायर, राइट देयर इफेक्ट। तो अब अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या क्या हम जानते हैं, कोलैप्सिंग ऑफ हाउसेज, क्रैक इन द लैंड, रोड एंड ब्रिजेस, मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फायर के क्या है, इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। विच प्राइमरी प्रिकॉशन विल यू टेक इन बोथ सिचुएशन, तो हम क्या लेंगे, रन फॉर ए सेफ एग्जिट एंड ट्राई टू रीच एन ओपन प्लेस अवे फ्रॉम द बिल्डिंग एंड टॉल ट्रीज,
अवॉइड यूजिंग एलिवेटर, जो लिफ्ट वगैरह होती है इसका इस्तेमाल नहीं करना है। वाइल एग्जिटिंग द बिल्डिंग, जब बिल्डिंग से हम बाहर निकल रहे हैं, यूज स्टेयर के, सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। यूज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कीजिए। रन टुवर्ड्स द सेफ प्लेस, अवे फ्रॉम द लोकेशन ऑफ फायर, फायर की लोकेशन से दूर निकलिए। कॉल फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड का नंबर कॉल कीजिए। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन एंड हुए हैं स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन आंसर को लाइक समझा होगा अच्छे से। बार बार ये वीडियो भी देखिए, जितने पॉइंट्स है उसको नोट कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया हुआ तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।